हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक हैंडबैग बनाएंगे जिसे आप लंच बैग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। 10x26 का पूरा पीस लिया है और इसके साइड बेल्ट के लिए हमने दिया है 6x7 इंचेस। लंबाई में ये 7 इंचेस के दो पीस लिए है। इसे दोनों पीस को हमने पाइपिंग अटैच कर लिए, रेडीमेड पाइपिंग है। इसे भी हम लोग दोनों तरफ से, एक साइड का मैंने बना दिया है, दूसरे साइड का मैं आपको दिखाती हूँ। ये रेडीमेड पाइपिंग है जिसे हम लोग आधा इस तरफ और आधा इस तरफ रख के इसको पूरा स्टिच कर देंगे। हमारा दोनों तरफ पाइपिंग हो गया है। अभी हमें ये ज़िपर अटैच करना है। ज़िपर अटैच करने के लिए हम लोग ऊपर से 3 इंच का मार्क करेंगे। और जिपर इससे भी 1/2 इंच ऊपर आने वाली है, यानी कि जिपर का स्टिचिंग लाइन जो है ये लाइन पे आएगा। ये इस तरफ से एक साइड से जिपर हमारा ये कॉर्नर तक रहेगा और दूसरे साइड पर अराउंड 1 इंच पहले ही हम लोग स्टिचिंग रोक देंगे और ये लूज होगा ऐसे। अभी यहाँ से ये हम लोग इसको स्टिच करते ही आएंगे। ये स्टिच करने के बाद ये जो है हम लोग ऐसे फोल्ड कर देंगे और जहाँ पे ये हमने स्टिच किया है उसी के ऊपर ये हम लोग रख के इस तरह से पूरा हम लोग क्लोज कर देंगे। सिर्फ यहाँ पे एंड आएगा तो हम लोग ये जिप हटा देंगे ऐसे और इसको पूरा एंड तक इसको स्टिच करेंगे। एक तरफ का हमारा हो गया। अभी दूसरे साइड से भी 3 इंच का मार्क करके हम लोग ये जो पोर्शन है यहाँ से निकाल लेंगे और ये साइड जो है ऐसे। अभी यहाँ पे हम लोग ने एंड तक सिलाया है तो यहाँ पे ये भी पोर्शन एंड तक होगा और यहाँ पे 1 इंच तक हम लोग इसको रोक देंगे स्टिचिंग और ये पूरा स्टिच करके इसको भी हम लोग ऐसे ही फोल्ड करने वाले जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया है। दोनों तरफ का जिप अटैच करने के बाद इसको दाब सिलाई देते हैं हम लोग। जस्ट ये फुट का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे ये ऊपर जो हमने जस्ट फोल्ड किया है ये जैसे बल्कि लग रहा है उसको हम लोग दबा के दाब सिलाई देते हैं। हमारे दोनों तरफ दाब सिलाई हो गए हैं। अभी हमें हैंडल लगाना है। हैंडल के लिए मैंने ये 15 इंच का रेडीमेड बेल्ट लिया है। अभी हैंडल के लिए हम लोग सबसे पहले सेंटर मार्क करेंगे, सेंटर से और ऊपर से ये हम लोग 2.5 इंच मार्क करके इसको सीधी लाइन खींचेंगे और उसके बाद सेंटर से 2 इंच दोनों तरफ मार्क करके इसको हैंडल लगा लेंगे ये इस तरह से। लेकिन लगाते वक्त ध्यान रखेंगे कि ये जिप बीच में ना आए और हम लोग इसको बॉक्स स्टिच जैसे करेंगे, ऐसे स्क्वायर में स्टिच करके इसको ट्विस्ट किए बगैर ये भी जहाँ पे मार्क किया है उससे ऊपर स्टिचिंग होगा। सिर्फ ध्यान रहे कि ये जिप के ऊपर कहीं पे स्टिचिंग नहीं आना चाहिए। देखिए हमने इसको बॉक्स स्टिच करके बीच में डायगोनल करके इसको फिक्स कर दिया है। देखिए कहीं पे जिप को ये अटैच नहीं होता और दूसरी तरफ का भी हम लोग इसको ऐसे अटैच करके यहाँ पे भी 2.5 इंच नीचे और सेंटर से 2-2 इंच दोनों तरफ से। हैंडल हमारा लगा के हो गया है। अभी हमें ये साइड पीसेस लगाना है। अगर आपको पॉकेट्स वगैरह लगाने हैं तो आप साइड पीस लगाने से पहले पॉकेट्स लगा लीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई पॉकेट नहीं लगा रही हूँ। हम लोग बाहर से पाइपिंग करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग रॉन्ग साइड के साथ रॉन्ग साइड अटैच करने वाले हैं। इस पीस का हम लोग सेंटर मार्क करेंगे और मेन पीस का भी सेंटर मार्क करेंगे और सेंटर से ये ऐसे लगाना शुरू कर देंगे। इसको ऐसे लगा के यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के हम लोग यहाँ से स्टिचिंग शुरू करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच आने से पहले हम लोग रोक देंगे
अब ये पीस सुई नीचे ही रख के हम लोग इसको ऐसे टर्न कर देंगे और इसको ऊपर तक स्टिच करेंगे। यहाँ तक का हो गया। अभी यहाँ पे जितना डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे रख देंगे और ये यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। देखिए एक तरफ का हो गया है अभी हमारा, दूसरी ओर भी हम लोग ऐसे ही स्टिच करेंगे। पाइपिंग का ऊपर की साइड और ये इसका सेंटर इस सेंटर के साथ मैच करते हुए ऐसे ही ऊपर की ओर आएंगे और यहाँ पे अटैच करते वक्त ध्यान रखेंगे कि ये कहीं पे बीच में ना आए, ये हम अलग करके इसको लगाएंगे। लेकिन डिस्टेंस यहाँ का और यहाँ का सेम होना चाहिए, सेम डिस्टेंस पे लगेगा। और बाकी बचा हुआ इस तरफ, यहाँ जिस तरह लगाया वैसे ही इस तरफ, सिर्फ ध्यान रखना है कि जिप बीच में ना आए। देखिए हमारा ऐसे तो बैग तैयार हो गया। अभी हमें जस्ट ये रॉ एजेस जो है वो छुपाने हैं, अंदर हमारा क्लीन फिनिशिंग है। अभी ये रेडीमेड पाइपिंग है जो कि हम लोग आइदर डायरेक्टली इस तरह लगा सकते हैं दोनों साइड पकड़ के, या तो फिर आप डबल स्टिचिंग आने के लिए एक बार ऐसे पकड़ के यहाँ से स्टिच करेंगे और दूसरी बार बाहर की ओर से ऐसे रख के ऐसे, इससे क्या होगा डबल स्टिचिंग भी आ जाएगी, आपकी सिलाई मजबूत हो जाएगी। और कभी कभी क्या होता है ऐसे डायरेक्ट रखने की वजह से ये निकल भी जाता है स्टिचिंग लाइन में से, तो हमको फिर से स्टिचिंग करना ही पड़ता है। इसके लिए हम लोग इसको अलग अलग स्टिचिंग करेंगे ऐसे रख के। ये थोड़ा सा ऊपर रख दूँगी क्योंकि ये आखिर में ये हमें जलाना है क्योंकि ये इसके धागे निकलते हैं, तो इसके थोड़ा सा ऊपर रख के इसको अंदर की ओर से पहले स्टिच करूँगी और फिनिश लाइन बाहर की ओर से आएगा। हमारा एक तरफ का पाइपिंग पूरा हो गया। अभी दूसरी तरफ पाइपिंग करते वक्त ये देखिए इसको हम लोग को अलग हटाना है और हमें पाइपिंग करना है, ये बीच में नहीं आना चाहिए और ऐसे ही थोड़ा सा आगे लेके हम लोग इसको स्टिच कर देंगे। और पूरा स्टिच करने के बाद इसको पीछे से भी हम लोग यहाँ से इस तरह से स्टिच करने वाले हैं, लेकिन ये कहीं पे बीच में नहीं आना चाहिए। दोनों तरफ का पाइपिंग हो गया है। अभी रनर डालने से पहले हम लोग इसको ऐसे एंड टू एंड लगा के देखेंगे कि कितना हमारा, क्योंकि लगाते वक्त आगे पीछे होता है तो जिप बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अभी देखिए इतना ज़्यादा हुआ है तो मैं उसको ट्रिम कर दूंगी, चेक करके ही हमें रनर डालना है। अभी इसमें हम लोग रनर डाल देंगे। एंड टू एंड करेक्ट हो गया है, ये हमको डाल के चेक करना है कि बराबर है या नहीं, या तो फिर हमको जितना ट्रिम करना है वो जिस भी साइड में है हमको कर लेना ज़रूरी है। अभी इसे हम लोग टैप से फिनिश करेंगे। देखिए इसके लिए भी मैं कपड़ा थोड़ा मोटा है इसके लिए मैं ये इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। देखिए बेल्ट ही है जो इस्तेमाल करूँगी, इससे थोड़ा सा बड़ा हम लोग ऐसे नहीं रख पाते हैं क्योंकि जिप की साइज़ बड़ी है, तो ये ऐसे रख के साइड में पाव पाव इंच एक्स्ट्रा मैं कट करूँगी, अराउंड इतना, क्योंकि ये जलाने के वक्त हमारा अपने आप छोटा हो जाएगा। ये देखिए ऐसे रख के इस तरह से रख के इसको डबल स्टिच कर देंगे। अभी हम लोग दोनों तरफ से ये जला देंगे ताकि वो जिप के साइज का ही हो जाए। थोड़ा सा आप दिए के ऊपर भी रख देंगे ना ये पूरा अच्छे से फिनिश हो जाएगा, जैसे हम लोग ने ये फिनिश कर दिया है। ये हमारा टैप भी लगा के फिनिश हो गया। अभी हमारा रनर बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए काफ़ी कैपेसिटी, आप मंदिर में लेके जा सकते हैं, ट्रैवल के टाइम पे भी आपका टिफ़िन वगैरह लेके जा सकते हैं, डेली ऑफिस यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं सब्ज़ी तरकारी लाने के लिए, या तो आप ये गिफ्ट आइटम जैसे भी दे सकते हैं रिटर्न गिफ्ट में। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।